अपना तारुफ करा दीजिए। होप्स के साथ आप कब से मुंसलिक हैं और यहाँ पे आप क्या जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं? मेरा नाम उमर मोहम्मद अशरफ है, मैं 5 साल से होप्स ट्रक बैंक में एज अ अकाउंटेंट मुंसलिक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम नबील अहमद है, मैं होप्स में एज अ अकाउंटेंट लास्ट 10 ईयर से यहाँ पर अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स देख रहा हूँ और 2 ब्रांचेस मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एक लैब डायग्नोस्टिक है और एक HD फार्मेसी है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ की। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और मैं पिछले 15 साल से होप्स में एज अ सेल्स सुपरवाइज़र अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अब्दुल करीम है। आपकी नज़र में होप्स क्या है? होप्स एक नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पे काम कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास हाई क्लास और लो क्लास दोनों तरीके के लोग आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। होप्स ऐसे लोगों को भी कैटर करता है, उनके भी टेस्ट करवाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़कात पे डोनेशन पे मेडिसिन दिलवाता है, उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करके उनको पूरा ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद उनको यहाँ से खुश करके भेजता है। होप्स स्पेशली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें काम करने में ना बहुत सारे पेशेंट्स की और बहुत सारे लोगों की हेल्प करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। होप्स मेरी नज़र में अब्बासी शहीद अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है और लाखों लोगों की जान बचाने वाला एक बेहतरीन निदारा है। बाहर मेडिकल स्टोर में जो मेडिसिन रिटेल में मिलती हैं वो सर्जिकल आइटम डबल कीमत में लोग खरीदते हैं, होप्स में यही मेडिसिन लोगों को मार्केट से इंतहाई कम कीमत में मिलती है। मेरी नज़र में होप्स एक आइडियल इदारा है। होप्स और दीगर जगह काम करने में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? होप्स में और दूसरी जगहों में काम करने में फ़र्क ये है कि दूसरी जगह पर हम काम करते हैं वहाँ पर हमें सिर्फ सैलरी मिलती है, होप्स में हमें सैलरी के साथ साथ लोगों की दुआएं भी मिलनी होती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इससे दिली सुकून मिलता है। और होप्स में जॉब करने का और दीगर जगहों पर जॉब करने का सबसे बड़े हमारे लिए ये फ़ायदा होता है कि हम यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी सर्विसेज में, यानी कि समझने के पेशेंट्स के लिए और बहुत सारी सर्विसेज में हम अपने आप को जो है अपनी एफर्ट्स दे रहे होते हैं जो हम दूसरी जगह जॉब करने में नहीं दे सकते। और इसके सिलसिले में यह है कि मकसद हम जहाँ जॉब कर सकते हैं वहाँ से एज अ सैलरीज वगैरह मिलती हैं, लेकिन यहाँ जॉब करने का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें जो है इसके साथ अपने नीकियाँ भी मिलती रहती हैं दूसरे के पेशेंट की हेल्प करने के और बहुत सारे चीज़ों पर जरा बहुत मौका मिलता है कि इनकी लिए ना पेशेंट्स के लिए एफर्ट करने का। होप्स में काम करने के ज़ाती फ़वाद, बहुत सारे ज़ाती फ़वाद के अलावा यहाँ पर आने वाले गरीब मरीज़ों के लिए हम कम कीमत में अद्वियात फराहम करते हैं जिससे ज़हनी और दिली सुकून नसीब होता है जो किसी और इदारे में मुमकिन नहीं। रोजी का वादा मैंने किया है लेकिन मैं रोज़ी के साथ साथ दुआएं भी हासिल कर रहा हूँ। होप्स से जुड़े किसी यादगार वाक़े का अहवाल बता दीजिए। एक दफ़ा हमारे पास एक पेशेंट आया था जो अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर आया था, उसके पास अपने खाने के भी पैसे नहीं थे। होप्स ने उसको उसकी वाइफ का भी सारा ट्रीटमेंट करवाया था और उसके साथ उसको जॉब भी प्रोवाइड करी थी होप्स के अंदर, तो उसको हमने जॉब भी दी थी और उसकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट करवाया था सब कुछ। तो ये एक होप्स के अंदर ऐसा वाक्य हुआ है जो मुझे याद है। दूसरा ये कि होप्स में खैर कोई ख़ास वाक्य तो ऐसा नहीं है जो मुझे याद हो, लेकिन एक स्टार्ट में रिसेंटली तकरीबन लास्ट 2 ईयर्स पहले हमें था, हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था होप्स के लिए अपने मीज़ान बैंक अकाउंट का, तो मुझे उस पर बड़ी हर्डल्स थी और बहुत सारे लोगों बहुत सीनियर्स लोगों ने कहा था कि बहुत मुश्किल है नहीं खुल सकेगा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह होप्स की तरफ से ये कोशिश मिली कि वो हमें सक्सेस हुआ और हमारा मीज़ान बैंक अकाउंट ओपन हुआ और ये एक बड़ी बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 26 ईयर्स में सबसे पहली दफ़ा हुआ था ये सब कुछ। एक दफ़ा एक बहुत ही गरीब मरीज़ और बहुत परेशान हाल मरीज़ मेरे पास आया जिसके पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो उसको मैंने होप्स से वो दवाइयाँ अरेंज करवा के दी तो उसने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, तो ये वाकया नाकाबिले फरमोश है और जो मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरी होप्स में बहुत सी यादें वाबस्त हैं, मैंने होप्स में एज अ वॉलंटियर भी जो काम किया है जहाँ पे बहुत से मरीज़ों की दुआएं मिली हैं मेरे बहुत जो मेरे बहुत काम आई हैं।